क्या हुआ मामा, मुझे संभालने की जरूरत क्यों है? तुम इतनी जल्दी आ गई? जी वो मैं पूछ रही थी, अब्दुल्ला की गाड़ी बाहर क्यों खड़ी हुई है? अब दो जवाब है से। और मैम, तुम्हें याद है कि तुमने डॉक्टर अली से जब पूछा था कि तुम्हारा टर्निंग पॉइंट कब आएगा, तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने कहा था कि जब मैं अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लूंगी और उससे आगे बढ़ जाऊंगी और डिप्रेस नहीं होंगी, तब आएगा। तो वो वक्त आ गया है। ऊपर समीना चाची, मारिया, अब्दुल्ला, पप्पो सब है, और चाची जान को चोट भी लगी है। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पप्पो और अब्दुल्ला को डिनर के लिए रोकना है। तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसे इतनी मुश्किल में क्यों घसीट रहे हो? मामा प्लीज, क्या फायदा इतने सेशंस लेने का जो आज भी वो सच का सामना नहीं कर सकती? ये वही रजिया आपा है जिसने उमामा को छोड़ के मारिया को चुना है। तुम बेशक भूल गए होगे, लेकिन मैं नहीं भूली। मैं इसे इस तकलीफ से निकालना चाह रहा हूं, और आप हैं कि वही याद दिला रही हैं। लेकिन सैफ, मेरे लिए मारिया और अब्दुल्ला को साथ देखना आसान नहीं है। मैं जानता हूं मैमा, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल को फेस करना हो तभी तुम अपने पास्ट को शिकस्त दे सकोगे। यू कैन डू दिस।